हे गाइस, आज के हम वीडियो में बात करने वाले कि अप स्टॉक के अंदर जो टीप इन का ऑप्शन आता है ये क्या होता है। हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे, छोटा सा वीडियो होने वाला, पूरा देखना। और साथ ही हम जानेंगे कि CDSL भी क्या होता है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स भी जरूर करना गाइस, प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए फिर जानते हैं हम। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि टीप इन का मतलब होता है, मतलब इसका मीनिंग जो होता है, ट्रांजेक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें ही आपको पता चल गया होगा कि इसका काम क्या होता है। जैसे कि आप एंजल वन, ग्रो एप या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई शेयर डिलीवरी के अंदर बाय करते हो और उसको 4 या 5 6 दिन बाद सेल करते हो, तो आपको टीप इन जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। वो इसीलिए क्योंकि ट्रांजेक्शन होता है तो टीप इन वहां पे जनरेट होती है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको सेंड किया जाता है CDSL के थ्रू। उससे यह आइडेंटिफिकेशन होता है कि जो डिलीवरी के अंदर जो शेयर आपने होल्डिंग किए थे, आप उसको सेल करना चाहते हो। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको इंट्राडे में कोई टीप इन डालने की जरूरत नहीं है। आपकी शेयर मार्केट के अंदर जो लेन देन होती है, टीप इन OTP के थ्रू उसको सेल आउट कर देता है। इनके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं जो CDSL के पास होते हैं। तो TPN एक सिक्योरिटीज है, जैसे कि आप शेयर को सेल करते हो तो वो जनरेट करना जरूरी होता है। आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो, काफी इजी एंड सिंपल है। जो भी एप्लीकेशन के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपली उसको OTP डाल के, फोन नंबर डाल के, और आप उसको क्रिएट कर सकते हो और आपने जो शेयर को जो है होल्ड किया है आप उनको सेल कर सकते हो। आई होप के आपको समझ में आ गया होगा कि टीप इन का मतलब क्या होता है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।